आंचल मैम, कितने टाइम से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो, लखनऊ में आप क्या करते हो? मैम मैं हाउसवाइफ हूँ एंड समहाउ थोड़ा थोड़ा अपना फ्रीलांसिंग वर्क भी करते रहती हूँ इंटीरियर डिजाइनिंग का। इंटीरियर डिजाइनिंग का फ्रीलांसिंग एज इन किसी बिल्डर विल्डर से आपका पार्टनरशिप टाइप है, कुछ बिजनेस आता है तो आपके साथ चैनलाइज हो जाता है, कैसे होता है फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग सिंपल अपने कॉन्टैक्ट्स में एंड कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं जिनके साथ में जिनको रिक्वायरमेंट रहती है फ्रेंड सर्कल में, तो वो लोग आते हैं और आ करके उन किसी को रिक्वायरमेंट होती है तो उनको हेल्प करती हूँ। तो फुल फ्लेज्ड क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं? काम करते रहते हैं धीरे, मतलब जस्ट हाँ फुल टाइम नहीं। क्यों फुल टाइम क्यों नहीं शुरू करा? फुल टाइम अभी घर में एक्चुअली घर की कंडीशन ऐसी है कि बेटी भी छोटी है तो ये है कि जितनी देर वो स्कूल में होती है मीन वाइल तब तक मैं करती हूँ, बिल्कुल बाकी टाइम में आप समझ गया भाई, मैं यही जानना चाहता था। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आंचल मैम, पहला सवाल कौन सा? हाँ जी, पहला सवाल ये है कि अभी जस्ट मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, जो मेरी छोटे छोटी छोटी सेविंग्स होती हैं उनको इन्वेस्ट करने के लिए, तो आई थॉट कि मुझे भी एक थोड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो मैं उसी के बारे में क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि मैंने गेल में इन्वेस्ट किया था जिसके 200 शेयर्स मैंने परचेज किए थे, तो उसका कैसा फ्यूचर रहेगा? किस भाव पे लिए हुए मैम आपने, प्राइसिंग क्या थी? मैंने 176 रुपीज के लिए थे, 176 रुपीस में। और लॉन्ग टर्म के लिए गेल 176 की खरीद, बढ़िया 30 रुपए के गेन्स हो रहे हैं, और लंबी अवधि के लिहाज से लिया हुआ है। राजेश सर, कैसा लग रहा है भाई गेल का काउंटर? कुछ ब्रोकरेजेस बड़ी बुलिश हो चली हैं ऑफ लेट। पहले तो आपको और जो भी महिला मित्रगण पैनल में है सबको नमस्कार। सही कहा आपने, ऑफ लेट थोड़ी सी चंचलाहट आई है गेल में और भाव में भी हमने देखा है अच्छे खासे बढ़त होते हुए। कारण कई थे, एक तो ये हाइड्रोजन में जो जा रहे थे, सेंट्रल इंडिया में नए प्लांट लगा रहे हैं या जिस तरीके की हाइड्रोजन की डिमांड आने वाले दिनों में होने वाली है उसके मद्देनजर गेल एक अग्रणी कंपनी उभर कर सामने आई। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो तीसरी तिमाही के नतीजे बहुत जबरदस्त आए, इन सब चीजों के चक्कर में गेल में बढ़त हुई। और अगर मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म के टारगेट की बात की जाए तो मुझे लगता है 220-225 रहेगा, लेकिन मैं इन्हें यही सलाह दूंगा कि अगर इन्हें पैसे की इस वक्त कोई ऐसी विशेष जरूरत ना हो तो इसे ना बेचें, थोड़ी लंबी अवधि के लिए रखें कि हाइड्रोजन की स्टोरी बहुत बेहतर स्टोरी है और आगे आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म करेगा। बढ़िया चुना है स्टॉक आपने, अच्छे भाव पे चुना था, अच्छे मोमेंटम में आया, और राजेश सर कह रहे हैं भाई अच्छी अग्रेसिव तेजी होने की तैयारी, आप तो होल्ड करिए मैम, कोई घबराने की जरूरत इस समय लगती नहीं है गैस अथॉरिटी के स्टॉक में। दिल्ली से देविका खोत स्क्रीन्स पे। देविका मैम हाय, गुड आफ्टरनून। देविका मैम, कितने समय से शेयर बाजार से जुड़े हो आप? जी मैं 2021 से जुड़ी हुई हूं। सो इट्स बीन 2-3 इयर्स, 2.5 इयर्स टाइप्स, है ना? कैसा रहा ये सफर मैम? सफर तो अप्स एंड डाउन्स था बट गुड वन। तो गुड वन इसीलिए कि पैसा आया या गुड वन इसीलिए कि एड्रेनलिन रश मिला ऊपर नीचे जाने? दोनों इक्वल था, दोनों इक्वल। चलिए देविका मैम, पहला सवाल कौन सा? जी एक्चुअली मैंने टार्सन लिया था जब इसका आईपीओ आया था, तब इसमें मोस्टली आई डू इंट्राडे ट्रेडिंग्स, सो मैंने टार्सन लिया हुआ था, तो एक बार लेके प्रॉफिट लेके निकल गई थी, बट 858 के इसमें मैंने 94 शेयर वापस लिए थे और अभी उसमें मुझे लॉस है, बट मैं इसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए रुक सकती हूँ। अरे बाप रे, पहले कमा लिया था, 850 पे खरीदा था, 400 रुपए का लॉस हो रहा है, तो आधा हो गया ऑलमोस्ट कैपिटल जो डिप्लॉय कर रहा था, आधा हो गया, क्योंकि एवरेज करने की भी मैंने कोशिश नहीं की क्योंकि ये स्टॉक बढ़ ही नहीं रहा था। नहीं ठीक है, ऐसा लूजिंग ट्रेड को एवरेज करके कोई फायदा नहीं है, अच्छा वन नहीं करा था, नहीं तो और पैसा चले जाता और स्टॉक और नीचे आ जाता, फायदा क्या था? जान लेते हैं अब कैसे इस लॉस की भरपाई होगी, अब सही लेवल से ऐड करने के बाहर निकला जाए टार्सन से। ये मुझे याद पड़ता है राजेश सर, ये वो लेबोरेटरी वगैरह के लिए वो टेस्टिंग प्रोडक्ट वगैरह प्लास्टिक के बनाने का काम, बीच में बहुत अच्छे मूव्स आए और अब आधा मेरा कैपिटल इरोड हो चुका है मैम। राजेश सर क्या करना चाहिए? आपने सही कहा, ये प्लास्टिक के जो उत्पाद है वो बनाती है लेबोरेटरीज, मेडिकल लेबोरेटरीज में यूज होती है,
और वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत लो वैल्यू प्रोडक्ट्स होते हैं। इस वक्त इनके करीब करीब 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं और कुछ एक्सपेंशन कर रहे हैं नया आने वाले दिनों के लिए। और इस वक्त अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 12-14% का इनका मार्केट शेयर है, लेकिन नंबर्स खराब आए थे। पिछली तिमाही में करीब 37-38% का दबाव दिखाई गया था बॉटम लाइन में। अभी ये लोग क्योंकि इंडिया में उतना ज्यादा स्कोप है नहीं, तो एक्सपोर्ट्स पे थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, वहां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनका बहुत ऊंचे का लिया हुआ है, इनके लिए दो ही बातें हैं, जब आपने ट्रेडिंग के लिए लिया था तो आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था, दूसरे अगर आप रख रहे हो तो फंडामेंटल्स चेक करना चाहिए। दोनों ही पायदान में मुझे लगता है इस स्टॉक में इस वक्त ऐसा कुछ नहीं है जहां ऐड की राय दी जाए। थोड़े वेट करने की सलाह दूंगा, कोई उछाल आता है 500 के आसपास तो वहां पे उन्हें घाटा काटना पड़ेगा, और वो अच्छा खासा घाटा होगा, लेकिन उछाल में निकलने के मौके ढूंढे। अच्छा हुआ आपने बीच में एवरेज नहीं करा मैम। ग्वालियर से रीता सिंह जी। रीता मैम हाय, गुड आफ्टरनून। रीता मैम क्या करते हो ग्वालियर में आप, और पहला सवाल कौन सा? सर मैं फिजिक्स टीचर हूँ, पर अभी मैं जॉब में नहीं हूँ, जॉब छोड़ दिया है मैंने, और मैं अपनी कोचिंग लेती हूँ और ये शेयर मार्केट करती हूँ। अरे वाह, अरे वाह, ओके। रीता मैम पहला सवाल कौन सा? सर मैंने सिम्फनी लिए थे लास्ट ईयर, 25 शेयर्स लिए थे एट द रेट ऑफ 11.39, और फिर इसका बायबैक भी आया, उसमें भी शेयर निकल गए, तो ओवरऑल देखा जाए तो मुझे लॉस नहीं है, पर वैसे देखा जाए तो लॉस है, क्योंकि वो बायबैक में अच्छे चले गए थे एट द रेट ऑफ 2000। तो शुड आई ऐड और होल्ड और व्हाट टू डू इन दिस? ये अटक गया सर शेयर। ठीक बात, जो है उसमें तो नेट नेट लॉस ही हो रहा है, पर ओवरऑल बढ़िया रहा सिम्फनी के साथ जर्नी। सिम्फनी आजकल बड़ा मूव दिखा भी रहा है राजेश सर, वो अपडेट्स आ रहे थे, बहुत गर्मी पड़ेगी, इनके नए प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट वगैरह बड़े एग्रेसिव देख रहा हूँ मैं आजकल। रख लूँ क्या सिम्फनी, ये गर्मियों में कमा देगा कि नहीं कमा के देगा? देखिए ऐड करने की इस वक्त सलाह नहीं दूंगा, लेकिन जिसमें है उसमें बनी रहे। एयर कूलर्स बनाती हुई कंपनी न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी सप्लाई करती है, और जैसा आपने कहा ना IMD की जो खबरें आई हीट वेव वगैरह की, तो उसके लिहाज से लगता है कि इसका मार्केट आने वाले दिनों में अच्छा रहेगा। बने रहे स्टॉक में, बट इस वक्त नया ना जोड़े, मतलब होल्ड करके रखते हैं। मैम कमा के दे देगा शायद ये, लेकिन फर्दर पैसा डिप्लॉय करने का मन तो नहीं है इस काउंटर आचल। मैम अगला सवाल गेल के बाद। मैंने एक और परचेज किया था, मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे शेयर किया, SJVN के 300 शेयर्स लिए थे मैंने। किस भाव पे? तो उसके बारे में बताइए। लॉन्ग 91 रुपीस में लिया था। अरे वाह, ये गेल भी फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, वो आपका आइडिया था? गेल तो हस्बैंड ने सजेस्ट किया था, एंड ये वाला मेरे, जस्ट बिकॉज आई एम फ्रेशर, तो मैं मुझे लगा कि मैं सबसे सजेशन लेकर के डिस्कस करके ही इन्वेस्ट करूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, धीरे धीरे फिर सीख जाऊंगी। बढ़िया लोगों को आसपास रखा है, हस्बैंड ने भी बढ़िया कमवा दिया और फ्रेंड भी बढ़िया कमवा रहा है। थैंक यू। 40-45 रुपये ऊपर चल रहा है भाई SJVN का काउंटर। राजेश सर क्या करना चाहिए? देखिए कंपनी टैरिफ में और पावर जनरेशन में है, अच्छे कारोबार में है, लेकिन पिछले तिमाही के नतीजे फ्लैट आए थे। इस वक्त अच्छे खासे प्रॉफिट में है, पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। जितने भी है उसके आधे बेच ले, और आधे जब नंबर्स आ जाए उसके बाद दोबारा से राय ले ले, लेकिन इस वक्त मैं कहूंगा कि पार्शियल प्रॉफिट बुक कर ले। पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए, कंपनी अच्छी है और आप लोगों को अपनी कंपनी अच्छी रखनी चाहिए, तो आपको बड़ी आइडियाज मिलते रहते हैं। देविका मैम अगला सवाल टार्सन्स के बाद। या मैंने पक्का, ये जो कंपनी है जो बीच में राम मंदिर के इसमें इसका बहुत ज्यादा ये हो गया था, नाम हो गया था। हाँ, वो पेपर वाला कुछ मामला था, पेपर वाला पैकेज जो भी करते हैं, तो उसका सेम किया था मैंने। उसमें पहले एक सेशन में मैंने ट्रेडिंग करके बुक कर लिया था प्रॉफिट, एंड द नेक्स्ट मूव अगेन आई हैव 355 का रेट पे मैंने 500 शेयर लिए हुए। डायरेक्टर साहब गलत स्टॉक को ही दिखा रहे हैं आप लोग, पक्का चल रहा है 297, 300 पकड़ लीजिए, 355 पे खरीदा हुआ है। राजेश सर पेपर में ये कभी ट्रैक किया था आपने पहले? ये अयोध्या के टाइम पे सही कह रही है मैम, एकदम से बहुत चर्चा में आया है ये, एक वो टेंट सिटी बना रहे हैं वो कंपनियां ऐसी, एकदम रीरेट हो गई थी। अब क्या करना है इसमें? 300 रुपये पे 55 रुपये के आसपास लॉस पर शेयर है।
देखिए आपने सही कहा कि राम मंदिर के समय में इसमें बहुत ज्यादा न्यूज में आया, क्योंकि इन्होंने डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह बनाने की राम मंदिर से इन्हें ऑर्डर मिला, तो उस वजह से लोगों को लगा कि बहुत बढ़त होने वाली है। पहले ये कंपनी यश लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी, बाद में इन्होंने नाम चेंज करके पक्का कर लिया है। तो अगर आपको ध्यान हो तो पहले यश लिमिटेड करके पेपर में ये कंपनी थी। अब आते हैं नंबर्स पे, तो प्रमोटर स्टेक 49% का है और उस 49% का 85% स्टेक प्लेज किया हुआ है। दूसरी पेपर की कंपनियां जहां 4-5 की पी पे चलती है, ये अभी भी माने इतनी ग्राउट के बाद भी 25-30 की पी पे चल रहा है। दूसरी पेपर की कंपनियां 2-3 के प्राइस टू बुक पे चलती है, ये 6 की प्राइस टू बुक पे चल रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच्ड है, इन्हें मैं निकलने की सलाह दूंगा, तो निकल जाएं। दूसरे पेपर के स्टॉक्स जहां अच्छे रुझान बने हुए हैं, फिर वो चाहे वेस्ट कोस्ट पेपर हो, आंध्रा पेपर हो, वहां पे स्विच कर लें, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी इनके नुकसान की भरपाई हो जाएगी। ये देविका मैम, आई एम अज्यूमिंग कुछ विनिंग ट्रेड्स भी होंगे पोर्टफोलियो में, है ना, जहां पे दिक्कत है वो सवाल उठा रहे हो उस प्लेटफॉर्म पे, है ना? एक्चुअली मैंने Zomato भी लिया हुआ है, इट वॉज सजेस्टेड बाय मेरे बेटे ने सजेस्ट किया था, इट वॉज 50 से ट्रैक कर रही थी पहले मैं। मैं बेसिकली पूछ रहा था, आप जो दिक्कत आ रही वही वाला स्टॉक पूछ रहा हूँ ना, है पोर्टफोलियो और भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स में है। आपने मोमेंटम वाले स्टॉक चेंज करते गड़बड़ा गया मामला, इसीलिए पूछ रहा था। खैर मैं आता हूँ आपकी अगली क्वेरी पे भी। रीता मैम, सिम्फनी के बाद। यस सर, जियो फाइनेंस है सर मेरे पास, 50 शेयर्स। कितने पे खरीदे हुए? 245। बढ़िया है। क्या पूछूं, कि रखे रहा हूं या मुनाफा बांधूं, ऐसा पूछूं क्या? सर शेयर्स तो मेरे पास ज्यादा थे, पर मैंने ये पहले डिप में आ गया, उसके बाद जब राइज किया तो निकाल दिया, तो मेरे को वेट करना है या मैं और ऐड कर लूं? कुछ टाइम की कोई लिमिट नहीं है सर, क्या करना चाहिए? जो है उनके लिए सवाल नहीं है राजेश सर, उसपे तो 125 रुपए पर स्टॉक का गेन हो रहा है, ये पूछना चाहती है ये सही समय और ऐड कर लेने का क्या, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए ऐड, पहले तो ये बताओ, और ये सही समय है क्या, उसके बाद इसका आंसर। आशीष जी, जिस दिन से जियो की लिस्टिंग हुई है उस दिन से मैंने आपके मैंने आवाज के चैनल पर लगातार इसमें बाय कॉल दी है, और आज भी हमारी इसमें बाय कॉल ही बनी हुई है, और मैं यही कहूंगा कि जब इनको समय की आमदनी नहीं है तो ऐड करने के लिए अगर कोई बाजार में गिरावट आएगी 10-20 रुपया गिर जाएंगे, उस चक्कर में ना रहें। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो स्टैगर्ड भाव में बिल्कुल इन्हें खरीदारी करनी चाहिए, बहुत शानदार कंपनी है, इनके पास डेटा बेस है रिटेल का और जियो का जिससे इन्हें फायदा होगा, तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है, 6% के आसपास इनमें रिलायंस का स्टेक है, ब्लैक रॉक के साथ इनका टाइप हुआ है, और कई तरह के बिजनेस में जाने की बातें हैं। मुझे लगता है कि इस स्टॉक को लंबी अवधि के लिए इनको भी और जो दूसरे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी बाय की रिकमेंडेशन रहे। भाई साहब, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि इसकी चर्चा इस प्लेटफॉर्म पे हो गई, ये बता दूं हमारे प्रमोटर और इस कंपनी के प्रमोटर सेम है, तो इस चैनल पे कभी भी डिस्कस हो, रिकमेंड हो, तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल कंसल्टेंट एडवाइजर से भी बातचीत कर लीजिए। मुझे नीरज वाजपेयी यहाँ घूमते फिरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज अपन वीकेंड स्पेशल के मोड पे हैं शो में, तो अपन लोग कुछ ही देर में OTT प्लेटफॉर्म बड़े पर्दे पे क्या निपटाना है उस पर आएंगे। राय सर, कुछ देखा है क्या आपने इतने दिनों से नहीं देखा? मैंने इस वीकेंड देखा वो जो शाहिद कपूर की थी ना, तूने दिल ले लिया जिया समथिंग,